हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि होम मेड माइक्रोफोन कैसे बनाए। गाइस, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो अभी अपनी यूट्यूब चैनल को चालू कर रहे हैं, उनके पास माइक नहीं रहते तो उनकी वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो गाइस, मैं आपको आज बताने वाली हूं बिल्कुल फ्री। गाइस, बिल्कुल फ्री में, हाँ, आप बिल्कुल फ्री में आप होम मेड माइक बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं गाइस, आपको सिर्फ एक ईयरफोन लगेगा। गाइस, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है वो ऐसे माइक बनाए, उनको बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देते। गाइस, मैं आपको बिल्कुल, आपको ईयरफोन अपने डैमेज नहीं करना है आपको। गाइस, मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से बताऊंगा। गाइस, ये ऑफ कॉस्ट है। गाइस, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए बहुत ही कम सामान लगेगा। तो गाइस, आइए मैं आपको सामान दिखाता हूँ। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ईयरफोन फोन और सीजर लगेगा। गाइस, मुझे अभी मार्कर का काम नहीं है, मार्कर मैं सबसे लास्ट में यूज करूंगा, तो मैं उसे कॉर्नर में रख दिया है मैंने। गाइस, अभी आपको ईयरफोन लेना है। और गाइस, आपका जो मेन चीज मैंने बताया था वो है ये। गाइस, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे। गाइस, सभी ईयरफोन ऐसे नहीं होते जिसमें ऐसे 3 डॉट हो, जरूरी नहीं, वो आगे भी हो सकते पीछे भी हो सकते हैं। तो गाइस, आपको कहीं भी देखना ऐसा डॉट हुआ तो आपको उसके पीछे तरफ, गाइस, उसका जो ईयरफोन का रहेगा ईयर प्लग, उसे गाइस आप पीछे की तरफ उसके फोल्ड कर देना, 3 डॉट फ्रंट में रहेगा। और गाइस, मैं इसका अब कवर बनाना दिखाता हूँ फोम से, इसका कवर मैं कैसे बनाऊंगा। तो गाइस, आइए देखते हैं कि कवर इसका कैसे बनाते हैं। जब हम अपने माइक्रोफोन का मेजर ले लेते हैं, जैसे देख सकते हैं मैंने इसका मेजर ले रहा है। गाइस, आपको फोम में अपने माइक्रोफोन का मेजर ले लेना है अच्छे से। गाइस, जैसे देख सकते हैं मैंने फोम में माइक्रोफोन का मेजर ले लिया है। तो अब गाइस, इसे कटर से कट करना है अच्छे से। सकते मैंने इस फोम को अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब मुझे माइक्रोफोन लेना है और इसमें ऐसे फोल्ड करके इसे ऐसी फोम में होल करना है, इससे ईयरफोन पूरा अंदर घुस जाए। तो गाइस, आपको यहाँ पे होल करना है जिससे माइक्रोफोन घुस जाए। तो गाइस, चलिए इसमें होल करने के लिए एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है लिखोफे को पेन। गाइस, आपको लिखोफे कोई पेन लेना है क्योंकि इतनी ही आपको पतली साइज की पेन चाहिए। तो आप दूसरे पेन से करेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी, तो होल आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। गाइस, आप इसे अच्छे से इसमें फोम में क्लिक करके आप इसे गोल गोल घुमाते रहे तो सर्कल आपका बहुत अच्छे से होगा। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे करना है। गाइस, जिससे आप देख सकते हैं इतना अच्छे मेरा होल हो रहा है इससे। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि अब मेरा होल हो चुका है। देखिए गाइस, कितने अच्छे तरीके से होल हुआ है। देख सकते हैं कि मैंने इसमें अच्छे तरीके से होल कर लिया है। गाइस, जब मैंने अच्छे तरीके से होल कर लिया तो मुझे कैंची की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, अब कैंची से क्या करना है, जो होल करा है आपने कैंची से मदद से आपको उसे फैलाना है थोड़ा सा। गाइस, जैसे देख सकते हैं मैं जैसा कर रहा हूँ, आपको कैंची की हेल्प से इसे थोड़ा सा फैलाना है। देख सकते हैं मैंने सीजर की हेल्प से इसके होल को बड़ा कर लिया है। तो गाइस, देख सकते हैं अब इसके होल को मैंने बड़ा कर लिया है। तब मैं अपने माइक्रोफोन को उसके अंदर इंटर करके देखूंगा कि अच्छे से हो रहा नहीं। और गाइस, आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे 3 डॉट है, जस्ट उसके पीछे में ही गाइस आपको वायर को रखना है, नहीं तो गाइस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आएगी। तो गाइस, अब मैं उसके अंदर इसको फिट करके देखूंगा। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें फिट हो गया है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरा माइक्रोफोन अब उसके अंदर अच्छे से जा रहा है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा माइक्रोफोन उसके अंदर अच्छे से फिट हो चुका है। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोफोन फोम के अंदर अच्छे से फिट हो चुका है। तो गाइस, अब वक्त है कि अब हमें इसे अच्छे से शेप देंगे माइक्रोफोन के हिसाब से। तो गाइस, आइए इसे अब शेप देते हैं हम। जैसे आप देख सकते हैं अब हमें कैंची की मदद से इसके हर स्क्वायर साइड एरो को बाहर के जो है उन सबको कट कर लेना है। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वैसे ही कट करने हैं।
तो गाइस जैसे देख सकते हैं मैं जैसे कट कर रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही कट करना है बिल्कुल आराम से। गाइस गाइस जैसे देख सकते हैं मैं जैसे कट कर रहा हूँ, आपको फिर से गाइस वैसे ही कट करना है अभी स्क्वायर साइड एरो को। तो गाइस मैंने अभी चारों साइड एरो को कट कर लिया है, तो अभी मैं इसे कुछ और शेप देने वाला हूँ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं गाइस आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही इसी तरीके से करना है। देखिए अब मेरा फॉर्म फॉर्म में आ चुका है। तो गाइस आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से काटना है सर्कल में। तो गाइस अब मुझे इसके ऊपर तरफ का भी बिल्कुल इसी तरीके से काटना है बिल्कुल धीरे धीरे बहुत ही आराम से। गाइस ऊपर तरफ पर बहुत आराम से करें ताकि वो बिल्कुल अच्छे से दिखे। गाइस जैसे देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल सर्कल की इसमें काट रहा हूँ। तो गाइस जैसे देख सकते हैं कि मैंने उसे सर्कल में काट लिया है। तो गाइस जैसे देख सकते हैं बिल्कुल रियल माइक टाइप का लग रहा है गाइस। तो गाइस जैसे देख सकते हैं अभी लग रहे ना पूरा रियल माइक। तो देखिए रियल माइक को गाइस आप भी इसे जरूर बनाए। देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म पूरी तरीके से बन चुका है। तो गाइस अब हम आखिरी में मैंने बोला था कि अब मुझे स्केच पेन का यूज लगेगा। तो गाइस अब मुझे स्केच पेन का यूज करना है इसे कलरिंग करने के लिए। तो गाइस अब स्केच पेन से आप इसे पूरे तरीके से कलर कर सकते हैं। ब्लैक कलर है मेरे पास। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैं इसे अभी कलर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसमें अभी कलरिंग कर रहा हूँ। तो गाइस आप भी इसी तरीके से इसमें कलर कर सकते हैं करना चाहें तो। जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा जिसमें ब्लैक कलर हो चुका है जिस साइड में, तो बिल्कुल रियल माइक टाइप का लग रहा है। तो गाइस अब आपको ऐसे ही पूरे तरीके से करना है क्योंकि इसके कलर तो गाइस मैं आपको हमारे नीचे के कितने भी थे वो सारे कलर हो चुके हैं। अभी सिर्फ ऊपर के टॉप साइड के बस कलरिंग बचे हैं। गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैं ऊपर से भी कलरिंग कर रहा हूँ। तो गाइस आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल रियल माइक टाइप का लग रहा है। तो गाइस देख सकते हैं अभी मेरा ऊपर का थोड़ा सा बस कलरिंग रह गया है। गाइस मेरा बस टॉप साइड का कलरिंग रह गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आपको बिल्कुल रियल माइक टाइप का लगेगा। मेरा कलरिंग का काम अब पूरा हो चुका है लेकिन गाइस अभी मैं इसमें फिनिशिंग टच अभी देना बाकी है। तो गाइस मैंने अपने माइक को बना लिया। गाइस मैंने इसमें फिनिशिंग टच दे दिया है। बस स्केच पेन से तो वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था तो गाइस मैंने इसमें वाटर कलर किया है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं वाटर कलर से कितना अच्छा दिख रहा है। गाइस और आपको एक बार ध्यान में रखना है आप गाइस जो फॉर्म है आपको उसको माइक्रोफोन से बाहर निकाल के ही कलर करना है। नहीं तो गाइस जो आपका माइक्रोफोन है वो ख़राब होने का रिस्क रहेगा उसमें। सो गाइस तो इसे बाहर निकाल के आप ज़रूर करना उसे कलर। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा ईयरफोन से माइक बन गया है ईयरफोन को बिना डैमेज करे। गाइस जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल रियल माइक टाइप का लग रहा है ईयरफोन बिना डैमेज हो फोन अच्छे तरीके से बन चुका है। तो गाइस अब मैं इसके बाद इसे आप चेक करके दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। और गाइस मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे पहनना है बिना किसी क्लिप के। तो गाइस आइए मैं आपको दिखाऊंगा लगा लिए हैं। तो गाइस अगर आपको भी मेरा माइक अच्छा लगा तो आप घर में से जरूर बनाएं।
लाइक को जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए पहले अपन को चैनल